हाँ तो भाई, क्या आप ये वीडियो पे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी डाउनलोड करने आए हो वो 4K अल्ट्रा HD में? तो भाई मेरी तरफ से फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को सॉरी, क्योंकि भाई ये वीडियो में हम इसके बारे में जरा सा भी बात नहीं करने वाले। रुकी रुकी क्या वापस जा रहे हो? क्या आज हम इस वीडियो में इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि पायरेसी क्या होती है, पायरेसी किस प्रकार से की जाती है, क्या पायरेसी इंडिया में इलीगल है, अगर आप पायरेसी करके डाउनलोड भी करते हो तो इससे आपको क्या हार्मफुल पहुँचने वाला है, आपको क्या दिक्कत हो सकती है? तो भाई इससे ज़्यादा जो आप जिस सोच के आप यहाँ पे वीडियो आए थे उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिलेगी तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली, बिंदास आपका जो मर्जी कहे आप वहाँ पे बोल लीजिएगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर आरंभ होगा। बात कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल पायरेसी क्या होती है। देखिए कोई भी अगर मूवी रिलीज हो रही है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो डिजिटल चीज़ है जो पेड है, अगर आपको वो चीज़ यूज करना है, उसका मजा लेना है, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन उसी तरह से कोई भी तरीका निकाल के जुगाड़ लगा के कोई वो चीज़ फ्री में अवेलेबल करा देता है, पब्लिक ही करा देता है, कोई भी बिंदास जाके वो फ्री में वो चीज़ को डाउनलोड कर लेता है, यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, तो उसे पायरेसी कहा जाता है। सिंपल से सीधे शब्दों में यही इसका अर्थ होता है कि पेड वाली चीज़ को फ्री में पब्लिकली अवेलेबल कराना, कोई भी बिंदास जाके वो चीज़ कर सकता है। तो क्या पायरेसी इंडिया में इलीगल है? मैं आपको बताना चाहता हूँ पायरेसी इंडिया में इलीगल है, और बात कीजिए हर जगह इलीगल है। पायरेसी एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह ही इलीगल है, और इंडिया में तो भाई सही में इलीगल है, पूरी तरीके से इलीगल है। तो क्या अगर हम पायरेसी से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो क्या भाई हमें पुलिस उठा ले जाएगी? यस ऑफ कोर्स ये बात है, आराम से उठा ले जाएगी। तो आप सोचोगे उठा के क्यों नहीं लेके जाती, इसका रीज़न क्या है? तो आपको बताना चाहता हूँ इंडिया में भाई पायरेसी एकदम नेक्स्ट लेवल पर होती है, मतलब ये लेवल होता है ना इससे भी ऊपर लेवल पर होती है। मतलब हर 100 में से 80 बंदा पायरेटेड करके मूवीज़ या फिर बात कीजिए वेब सीरीज ये सारी डाउनलोड करके देखता है। तो अगर भाई इंडियन गवर्नमेंट इसे भरने लगेगी तो भाई जेल कम पड़ जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, वो जो अपलोड करते जो पायरेटेड चीज़ अवेलेबल कराते हैं, जो एडमिन होता है, मेन बंदा होता है, सीधा उसी को उठा लिया जाता है। इस बात की जैसे कि आपने बहुत सारी वेबसाइट्स का नाम सुना ही होगा, वहाँ से अगर आप डाउनलोड करने जाते हो तो क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट चलना बंद हो जाती है? इसका रीज़न ये होता है कि गवर्नमेंट जो होती है, IT सेक्टर जो होता है, वो देखता रहता है अच्छा भाई यहाँ पे पायरेटेड चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो सीधा उसे ब्लॉक कर देता है। इसके लिए अब कभी देखते हो वेबसाइट का जो डोमेन नेम होता है या कुछ कुछ होता है वो चेंज हो जाता है, चालू हो जाए कुछ टाइम बाद में, लेकिन वो चेंज हो जाए। यही सारा रीज़न होता है कि जो IT सेक्टर वाले होते हैं वो बार बार वो जो वेबसाइट्स होती है उन्हें ब्लॉक करते रहते हैं, और अगर पता चल जाता है उसका ओनर कौन है तो उसे पुलिस उठा के भी लेके चली जाती है। ये फिक्स है और ये इलीगल है, मैं आपको साफ साफ और सीधे शब्द में बता देता हूँ। तो ये मूवी पायरेटेड कैसे होती है, क्योंकि भाई वो तो पेड है। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप पहली बार जैसे आज मूवी रिलीज हुई अभी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में बात कर लीजिए, देखिए आज मूवी अगर रिलीज हुई है तो क्या करते हैं लोग जो भी अपलोड करने वाले थे वो जाते हैं थिएटर में, और थिएटर में जो रिकॉर्ड होता है ना वहाँ से रिकॉर्ड करते हैं, सिंपल ऐसा फ़ोन रख के वहाँ से रिकॉर्ड कर लेंगे और रिकॉर्ड करके सीधा वही अपलोड कर देंगे। इसके लिए वहाँ पर सिनेमा प्रिंट करके लिखा हुआ आता है, कोई बंदा चल रहा है बराबर अच्छी आवाज़ नहीं आ रही है, बार बार आवाज़ें आ रही, भाव अगर कोई चिल्ला रहा है और वहाँ की जो आवाज़ है वो अच्छी नहीं आती। तो यही सारा रीज़न होता है कि डायरेक्ट सिनेमा हॉल से जाके भाई सबको तो शांत कराया नहीं जा सकता है, सब भाई पैसा दे के आए हुए हैं, तो ये पूरी तरह से इलीगल होता है। अगर वहाँ पर बंदा वो जा रहा है, अगर पुलिस वाले देखते हैं तो वो भी भाई उठा लेते हैं कि जब तुम्हें ऐसा उन्होंने साफ साफ बताया था कि अगर आप देख रहे हो कोई बंदा वीडियो शूटिंग कर रहा है, पूरी पिक्चर एकदम रिकॉर्ड कर रहा है, तो आप नंबर भी उन्होंने प्रोवाइड किया था, आप सीधा यहाँ पर फ़ोन करके हमें इत्तला कर सकते हो, हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो ये सारे इस तरह के पायरेटेड होती है। और अगर उसके बाद की अगर OTT प्लेटफॉर्म पर आता है जैसे अमेजोन हुआ, फिर बाद में जाके डिज्नी प्लस हॉटस्टार हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, तो यहाँ पे क्या करते हैं सिंपली वो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहती है वो कर देते हैं, और वो करके तब अपलोड कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी HD में आता है तो फोन में आराम से हो जाता है। इसके लिए आप कभी भी देखो जो OTT पे आता है तो एकदम आपको साफ दिखाई देता है, लेकिन जो पिक्चर जो सिनेमा हॉल में रिलीज होती है वो अच्छी दिखाई नहीं देगी। तो ये रीज़न होता है, पायरेटेड का सारा सिस्टम यही होता है, इस तरह से पायरेसी की जाती है, और पायरेसी पूरी तरह से इलीगल है। और अब हम आगे चलते हैं, अगर आप जहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड करते हो तो उससे क्या कोई हार्मफुल है आपको? मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ, हाँ हार्मफुल है। आप जहाँ पर जाते होगे डाउनलोड करने के लिए तो वहाँ पर बार बार पॉपअप एड आता होगा, आता ही नहीं आता? आपने किया होगा तो आता होगा, मैंने भी बहुत बार ट्राई किया, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने वो सब कुछ देखा, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अगर आप टैप करते हो तो बार बार पॉपअप एड आता रहता है, और एड आने के बाद में फिर कहीं दूसरी वेबसाइट पर फेंका, मतलब टोटल 5 से 6 वेबसाइट अलग अलग वेबसाइट पर फेंकाया जाएगा, फिर आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा। और पहली बार देखिए आप खुद ही देखिए, नई नई मूवी जब आती तो अच्छे से वैसे भी कहाँ आती है, अच्छे से आवाज़ नहीं आ रहा, जो आपका एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाता है। बार बार दूसरी दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करने से आपके फ़ोन में मैलवेयर आने का खतरा, वायरस आने का खतरा
बढ़ जाता है, क्योंकि जो वेबसाइट्स होती हैं ये सिक्योर नहीं होती हैं, और बहुत ज़्यादा तक अगर आप जो पायरेटेड वेबसाइट्स होती है जहाँ से आप मूवी डायरेक्ट देखते हो जहाँ से, तो वहाँ पर कभी भी आपको एड्स नहीं होगा, गूगल वाला एड्स नहीं होगा, क्योंकि गूगल भाई पायरेटेड चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। इसके लिए वो दुनिया भर के फालतू पता नहीं कहाँ कहाँ से एड लगा देते हैं, कहाँ कहाँ से वो स्क्रिप्ट चलाते रहते हैं। इसके लिए भाई कहीं क्लिक करोगे, क्लिक कहीं हो जाएगा, वेबसाइट कोई और ओपन हो जाती है, तो यहाँ पर बहुत पीछे जो सोर्स कोड होता है वो बहुत खतरनाक होता है, आपके फ़ोन में वायरस जाने का खतरा बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। अगर आप एक हैवी ड्राइवर हो, आपने उसे डाउनलोड भी कर लीजिए। चलिए ठीक है, आप सब कुछ आगे बढ़ चुके हो, एकदम कतार तक आगे पहुँच चुके हो, रास्ता आपका पहुँच चुका है, ठीक है, आपने डाउनलोड कर रख लिया, तो उसमें आप देखते होगे कभी कभी आपको बैटिंग वाली एड्स आती होगी। अब ये जो एड्स होती है इसे गूगल अलाउड नहीं करता है, गूगल बैटिंग को कभी भी प्रचार नहीं करता है, और ये सब जो अभी भी रिसेंटली आपने देखा था पेटीएम ऐप को प्ले स्टोर से उड़ा दिया था गूगल ने, तो ये रीज़न होता है कि बैटिंग को कभी भी गूगल प्रमोट नहीं करता, पायरेसी को कभी भी गूगल प्रमोट नहीं करता। इसके लिए आप यूट्यूब पर कभी भी कोई पेड चीज़ को फ्री में डाउनलोड करने वाला सिस्टम डालोगे तो आपकी वीडियो ब्लॉक हो जाएगी। पर्सनली भाई मैंने खुद बताया था कि यूट्यूब से वीडियो कैसे डाउनलोड करें, बस भाई गूगल ने मेरी वीडियो ही उड़ा दी और मेरे कॉपीराइट स्ट्राइक भी डाल दिया, मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, तो अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर आप उसे डाउनलोड भी करते हो तो आप में बीच बीच में वो एड आएगा, सट्टे वाला एड रहता है, बहुत ही बेकार बकवास एड होता है, वहाँ पर बैटिंग को प्रमोट किया जाता है, जुआ को प्रमोट किया जाता है, तो ये सारी बातें होती है और पायरेसी इंडिया में इलीगल है, आपको ये बात को ध्यान में रख लेना है। अब अगर अभी तक आप यहाँ तक आ ही गए होगे तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगा ही होगा, अगर अच्छा लगा है तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक कीजिए, अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, और भाई जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा के फोड़ के ग्रे कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा लीजिए, ऐसे और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।